दोस्तों मेरा नाम है सलमान और आप देख रहे हैं ऑल टेक्निकल सलमान यूट्यूब चैनल। दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि यहाँ पर देखिए मैं जो है 12,000 रुपये के बाद में कितनी लिमिट मिलती है अगर हम रीपेमेंट करते हैं तो उसका, ठीक है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ, तो इस वीडियो को आपसे रिक्वेस्ट है कि पूरा देखिए। अगर आप चैनल को जो है पहली बार देख रहे हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ठीक है, और अपने सभी फ्रेंड के साथ ये शेयर कीजिए वीडियो, ठीक है। चलिए दोस्तों हम वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैं मेरा रिंग एप्लीकेशन को इस तरह से ओपन कर लेता हूँ और ओपन करने के बाद मैं आपको सबसे पहले यहाँ पर डिटेल बता देता हूँ कि मेरा कितना पेमेंट है, कितना करना है और सब कुछ इस वीडियो में सब कुछ बताने वाला हूँ, ठीक है। तो इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिए। तो जैसे कि आप देख सकते हैं आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर अवेलेबल लिमिट मेरी 2,199 रुपये है और मेरी टोटल यहाँ पर लिमिट है 12,100 रुपये, ठीक है। यहाँ पर मेरा पेंडिंग पेमेंट है और ड्यू डेट भी आज ही है और ये पेंडिंग पेमेंट आप मेरा देख सकते हैं यहाँ पर 6,901 रुपये है जो कि आज ही पेमेंट करना है। आप देख सकते हैं ड्यू टुडे लिखा हुआ है, यानी मेरा आज का जो है ड्यूट है, यानी पेमेंट करने का डेट है, ठीक है। तो उसका हम जो है आज पेमेंट करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर 12,000 रुपये के बाद, यानी देखिए हमारे जो है हम जैसे यहाँ पर पेमेंट करते हैं और हमारी लिमिट है 12,100 रुपये, तो 12,100 रुपये के बाद हमको कितनी लिमिट मिलती है हम वो देखने वाले आज, ठीक है। और यहाँ पर 6,901 पेमेंट करने के बाद हमको लिमिट मिलती है और मिलती भी है या फिर लिमिट ब्लॉक होती है, क्या होता है ये पेमेंट करने के बाद में, चलिए हम देखते हैं, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं। तो हम सिंपल सा क्या करते हैं यहाँ पर देखिए पे नाउ का ऑप्शन, तो हम इस पर क्लिक करने वाले हैं, यानी हमारा जो है 6,901 रुपये तो हम इसके पेमेंट करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए हम पे नाउ पर क्लिक करते हैं। तो हमने यहाँ पर पे नाउ पर क्लिक किया। अब पे नाउ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं, देख सकते हैं 6,901 रुपये है और यहाँ पर हमें जो है फ़ोनपे के ऊपर जो चार्ज लगा रहा है वो 56.59 रुपये। तो यहाँ पर हम फ़ोनपे से करने वाले, सॉरी यहाँ पर फ़ोनपे से नहीं, हम डेबिट कार्ड नेट बैंकिंग वॉलेट से करते बोले, तो हम इस पर क्लिक कर लेते हैं। इस पर हमने क्लिक किया, इसके बाद में यहाँ पर पे लिखा हुआ है और अमाउंट है 6,957.59 रुपये, इस पर हम क्लिक करते हैं, ठीक है। तो हमने इस पर क्लिक किया। अब यहाँ पर देखिए लोडिंग हो रहा है। अब लोडिंग होने के बाद में हम यहाँ पर थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। अब हमारे यहाँ पर फ़ोनपे का एड्रेस एंटर कर लेंगे, ठीक है, और उसके बाद में सबमिट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखिए प्रोसेसिंग पेमेंट हो रहा है। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा ऊपर लेंगे और आप देख सकते हैं अमाउंट में आपको फिर से बता देता हूँ 6,957.59 रुपये। इसके बाद में सिंपल सा हम यहाँ पर अदर्स पर क्लिक करेंगे यहाँ पर, और अदर्स पर क्लिक कर लेने के बाद में हम यहाँ पर क्लिक करेंगे कहाँ पर, ये यहाँ पर UPI ID गूगल पे भीम फ़ोनपे एंड मोर, इस पर हम क्लिक करेंगे। इसके बाद में हम हमारा फ़ोनपे नंबर एंटर करेंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने फ़ोनपे नंबर एंटर कर लिया। इसके बाद पे 6,957.59 रुपये पर हम क्लिक करेंगे पे पर, ठीक है। तो हम इस पर क्लिक किया हमने, और इस पर हमने जैसे ही क्लिक किया यहाँ पर देखिए मेरे दूसरे फ़ोन पर जो है मेरा दूसरा फ़ोन है उस पर एक नोटिफिकेशन गया है, हम उस पर क्लिक करेंगे और वहाँ सर पेमेंट करेंगे और यहाँ पर जो है हमारा ये पेमेंट भी हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर थोड़ा सा वेट कर लेते हैं और देखिए मुझे दूसरे फ़ोन पर नोटिफिकेशन भी आ चुका है और यहाँ पर मैं पे पर क्लिक कर लेता हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पर प्रोसेस टू पे पर क्लिक कर लेता हूँ, और प्रोसेस टू पे पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैं पे 6,957.59 रुपये। अब यहाँ पर मेरा फ़ोनपे का UPI पिन दे देता हूँ और यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा पिन नंबर मैं एंटर कर लेता हूँ। इसके बाद में यहाँ पर देखिए मेरा पेमेंट यहाँ पर प्रोसेसिंग में और सक्सेसफुल हो चुका है। अब यहाँ पर देखिए मुझे मैसेज भी आ चुका है रिंग पेमेंट सक्सेसफुल, और आप देख सकते हैं 6,957.59 रुपये योर पेमेंट वैस सक्सेसफुल लिखा हुआ आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर गो टू होम पर क्लिक करेंगे और क्लिक कर लेने के बाद में 12,100 रुपये हमारी लिमिट थी, इसके बाद हमने जैसे ही 6,957.59 रुपये पेमेंट किया। अब यहाँ पर 12,100 हमारी लिमिट थी। अब इसके बाद कितनी लिमिट हमको मिलती है या फिर हमको हमारी जो लिमिट है वो कम हो जाती है, ज़्यादा केसेस में मैंने देखे कि यहाँ पर बहुत सारे सब्सक्राइबर ने मुझे कमेंट भी किया था कि जो है लिमिट कम भी हो जा रही है, जैसे हम रीपेमेंट कर रहे हैं तो लिमिट कम हो जा रही है, ठीक है, बहुत सारे सब्सक्राइबर ने किया है। तो चलिए हमारे केस में हम देखते हैं कि हमको हमारी लिमिट कम होती है या फिर ज़्यादा रहती है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे गो टू होम पर और देखते हैं हमारी लिमिट बढ़ी है या कम हुई है या फिर ब्लॉक हुई है, क्या हुआ है हम देख सकते, ठीक। तो हम गो टू होम पेज पर हम क्लिक करेंगे इस तरीके से, और क्लिक करने के बाद में यहाँ पर देखते हैं हमारी लिमिट बढ़ी है या नहीं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरी लिमिट अभी तो फ़िलहाल में नहीं बढ़ी है, ठीक है।
वही लिमिट है 12,100 रुपये। ठीक है, तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरी लिमिट तो नहीं बढ़ी है, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरी 12,100 रुपये लिमिट थी और यहाँ पर मैंने 6,900 कुछ यहाँ पर पेमेंट किया, यहाँ पर 6,901 रुपये, तो यहाँ पर मेरी 12,100 ही लिमिट है और यहाँ पर मेरा जो है पुराना जो लिमिट है अभी जो मैंने जो है पैसा निकाला है वो 3,000 रुपये तो यहाँ पर आ चुका है, लेकिन लिमिट नहीं बढ़ी। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर मुझे कोई टेंशन नहीं है क्योंकि मेरी लिमिट बढ़ी या नहीं बढ़ी, क्योंकि मैंने फ्री में यूज़ किया है, सिर्फ मुझे फ़ोनपे का चार्जेस लगे जो है पैसे मैंने ट्रांसफ़र किया वो फ़ोनपे गूगल पे जो चार्ज लग रहा है ना वो सिर्फ वही चार्जेस लगे। तो दोस्तों बहुत सारे सब्सक्राइबर क्या कर रहे हैं, जो भी जैसे कि मुझे मान लीजिए मुझे अब यहाँ पर देखिए मेरी 9,100 रुपये लिमिट, तो मैं क्या कर रहा हूँ और बहुत सारे सब्सक्राइबर क्या कर रहे हैं टोटली बैंक में ट्रांसफ़र कर ले रहे हैं, और यही से टोटली बैंक में ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो यहाँ पर वो 10% के हिसाब से हमसे चार्ज ले रहा है। ठीक है, अब 10% के हिसाब से वो चार्ज और फ़ोनपे के ऊपर से भी हमको अलग से चार्ज, तो बहुत सारा हमसे यहाँ पर पैसा चल जा रहा है। क्योंकि फिर रिंग एप्लीकेशन कुछ हमको पूरा नहीं है यहाँ पर, कुछ यूज़ करने को यहाँ पर बहुत सारा चार्ज है, तो यहाँ पर लिमिट करने से क्या फ़ायदा दोस्तों। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया थोड़ा थोड़ा पेमेंट करके निकालिए, अगर आपको जो है लिमिट नहीं भी मिलती तो कोई टेंशन नहीं है, बाद में बड़ी या नहीं बड़ी वो जो है आगे की हम प्रोसेस देखें आगे अपडेट लाएंगे, लेकिन बिल्कुल फ्री में यूज़ करें। जब वो फ्री में दे रहा है तो फ्री में क्यों नहीं यूज़ करें। बहुत सारे सब्सक्राइबर कमेंट करने के लिए कंपनी बंद हो जाएगी हमारा पैसा चल जाएगा, तो ऐसा कोई बात नहीं है, अगर बंद हो जाती तो उनको बहुत लॉस होगा। ठीक है, वो आप भी जानते हो, लेकिन ये लिमिट बंद नहीं होगी। ठीक है, एप्लीकेशन जो है बंद नहीं होगा, कुछ ही दिनों में जो है RBI से रजिस्टर्ड भी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये लिमिट हमको 15 दिन के लिए दे रहा है लेकिन बिल्कुल फ्री दे रहा है, सिर्फ फ़ोनपे के ऊपर हमको चार्ज लग रहा है। ठीक है, तो यूज़ करना है तो बिल्कुल फ्री यूज़ करो। इसके रिगार्डिंग और भी जैसे कि अपडेट आते रहेंगे तो मैं अपने चैनल पर वीडियो अपलोड करता रहूँगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपकी वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हम मिलते हैं अगली वीडियो में न्यू वीडियो के साथ न्यू ट्रिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय और थैंक यू।